सिद्धार्थनगर जनपद में पशुओं के रखरखाव एवं पालन पोषण हेतु मुख्य अतिथि डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल के देख में पशु सुरक्षा के दृष्टिगत नौगढ़ विकास खंड के रामपुर ग्राम पंचायत में गोष्ठी आयोजित की गई। सांसद जगदम्बिका पाल ने मौके पर पहुंचकर कार्यक्रम का फीता काटकर शुभारंभ किया। गोष्ठी शिविर में मुख्य अतिथि सांसद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को श्रेय देते हुए पहल करने की बात कही, जिसमें पशुओं को दवा चारा रखरखाव हेतु प्रोत्साहन राशि आदि के बारे में जानकारी दिया और कहा कि दूध उत्पादन मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पशु चिकित्सा अधिकारी अरुण प्रजापति ने बताया, इसके लिए सभी विकास खंड में चिकित्सा व्यवस्था परिपूर्ण है, जहां से पशुपालकों को निःशुल्क जानकारी दी जाती है। वहीं पशुओं के भरण पोषण हेतु मानक के अनुसार अनाज या चारे दाने की जानकारी दी गई, जिससे पालक अधिक से अधिक दूध उत्पादन कर सकता है। वहीं बकरी पालन, कुक्कर पालन, रजिस्ट्रेशन आदि की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपस्थित ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि नौगढ़ राजेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष शैलेंद्र वर्मा, विजय यादव ग्राम प्रधान, अशोक चौरसिया सहित अन्य गणमान्य नागरिक जनता मौजूद रही। देखिए, ये जनपद स्तरीय जागरूकता शिविर था। इसमें हमें पशुपालकों को जागरूक करना है कि वो अपने पशु को कैसे पालें और किस तरह से भोजन पौष्टिक आहार दें, ताकि समय से वो जानवर गर्भित हो और समय से जो है मतलब बच्चा दे, उसकी देखभाल या कब हम उसको कीड़ी की दवा दें, कब मतलब हरा चारा तो हमेशा दें उनको जो है अनाज, इससे मतलब बताया था कि मतलब एक दुधारू पशु जैसे 4 लीटर दूध दे रही है तो 1 लीटर पर 400 ग्राम, यानी 4 लीटर पर 1600 ग्राम, ठीक ना, ये हुआ। उसके साथ साथ मैं ये बताना आप लोग बता दिया था कि भूल गया था कि ये 2 किलो पशु आहार पर डे स्वस्थ पशु को देना जरूरी है, यानी 2 किलो पशु आहार हो गया और 1.5 किलो दाना हो गया, ये जो है देना बहुत जरूरी है, ताकि इससे जो है बांझपन नहीं हो पाएगा। मतलब जनता को जागरूक किस प्रकार से कर रहा है? जनता को मैं अभी दवा का वितरण कर रहा हूं और अभी जो है मैंने बताया भी है आप लोगों के द्वारा जो है मंच पर जो है जनता को जो है कीड़ी के दवा या सभी जो दवा गर्म होने की दवा है जो फ्री में दे रहे हैं, इस प्रकार से मैं उनको जागरूक कर रहा हूं। साथ में ये भी जागरूक कर रहा हूं कि समय समय पर टीकाकरण भी हो रहा है, समय समय पर ब्रुसेला का भी टीका हो रहा है, समय समय जो भी योजनाएँ हैं उसको भी मैंने बताया है और साथ में मैं दवा जो है निःशुल्क वितरण कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पहल पे पूरे प्रदेश में गाँव के पशुओं में जो तमाम रोग लगते हैं उन रोगों का नियंत्रण कैसे किया जा सके और किस तरह से पशुओं को दुधारू बनाया जा सके, बाझ बनने से रोका जा सके, तो जो प्रदेश सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही, चाहे केसीसी के साथ 90,000 का एक पशु लेने की योजना या चाहे किसानों के पशुओं के टीकाकरण का अभियान या पशुओं को गर्भाधान कृत्रिम गर्भाधान का योजना हो या पशुओं की सुपुर्दगी के लिए 900 रुपया महीना एक जानवर की अगर सुपुर्दगी कोई लेता है, तो इस तरह से इन तमाम योजनाओं की जागरूकता देने के लिए आज सिद्धार्थनगर जनपद के इस राजपुर गांव में जिले का पशुपालन विभाग ने जिला स्तरीय जागरूकता समिति बनाया, जिसमें हमारे चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अरुण प्रजापति जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख इसके प्रतिनिधि राजेश मिश्रा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष वर्मा जी, भाजपा के हमारे प्रभारी केशवान राय जी और तमाम लोग, और आप देखिए जिस तरह का उत्साह है। आखिर आज निश्चित तौर से जहां प्रदेश में हम इस मामले में श्वेत क्रांति के मामले में पिछली सरकारों में पीछे होते जा रहे थे, आज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करने वाला उत्तर प्रदेश हो गया है। इसलिए कि हम विटामिन दे रहे हैं, प्रोटीन दे रहे हैं, निःशुल्क दवाएँ आज दी जा रही, उसका भी वितरण हमने किया है, टेबलेट्स भी दे रहे हैं, और एक जानवर को अगर 4 किलो दूध देती है तो 400 ग्राम उसको अनाज पर किलो देना चाहिए, 10 से 15 किलो हरा चना देना चाहिए।